हमारे बोर्ड के साबिक सदर और आलम इस्लाम के अजीम तरीन इमाम मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी ने कलकत्ते के एक इजलास में, जिसमें मैं भी शरीक था, उसमें उन्होंने मुसलमानों से, जिसमें 5 लाख मुसलमानों का मजमा था, उसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा था, हम हुकूमत से कहेंगे और एक बार कहेंगे और दो बार कहेंगे और तीन बार कहेंगे और साफ साफ कहेंगे कि आप मुस्लिम पर्सन अल्लाह को खत्म नहीं कर सकते, आप कानून शरीयत में तब्दीली नहीं कर सकते, आप यकसां सिविल कोड को नाफिज नहीं कर सकते। इस मुल्क के आईन ने हर कौम को, हर अकलियत को हक दिया है कि वो जिस मजहब पर चाहे, जिस तहजीब पर चाहे अमल करे, उसको प्रोपेगेट करे, आप उसको बदल नहीं सकते। हम हुकूमत से कहेंगे और बार बार कहेंगे, लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा था, मुसलमानों हम हुकूमत से कहेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन हम तुमसे कहेंगे 10 बार, और हुकूमत के अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो आई मुसलमानों हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा था, मैं अपने लफ्जों में उसको आपसे कहना चाहता हूँ, कौन सा कानून है जो आपको इस पर मजबूर करता है कि आप अपने बच्चों को आला तालीम न दिलवाएं? कौन सा कानून है जो आपसे ये कहता है, भारत सरकार का या महाराष्ट्र सरकार का, कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप अपने अपनी शादियों में फजूल खर्चियां करें, आप जरा से गुस्से में आकर अपनी औरतों को तलाक दे दें और वो भी तीन तलाक दे दें, जो तमाम मसालिक के नजदीक हराम काम है? कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप अपने वक्त को बर्बाद करें, अपने माल को बर्बाद करें, अपनी आमदनी को बर्बाद करें? कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप मसाला पान मसाला खाएं और तंबाकू खाएं और अपनी सेहत को खराब करें? कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप जरूर अपने बेटे की शादी में अपनी जिस लड़बहू को आप लेकर आ रहे हैं उसके माँ बाप का खून चूस लें, जहेज का मुतालबा करें? आप खुद शरीयत के कानून पर अमल नहीं करें और उसके बाद आप हुकूमत से मुतालबा करें कि तुम शरीयत के कानून पर अमल करो? ये 100% नाइंसाफी है, ये 100% नाइंसाफी है। आज आपको अपने इन गुनाहों से तौबा करके उठना होगा और यह अहद करके उठना होगा, न हम जहेज का मुतालबा करेंगे, बल्कि मुतालबा तो मुतालबा, किसी कीमत पर हम जहेज के लेन देन नहीं करेंगे। आप जानते हैं जिस वक्त वो लगी हुई बारात जाती है शहनाइयों की गूंज में, आप जिस रास्ते से बारात को लेकर जाते हैं, किसी न किसी कच्चे पक्के घर में अगर किसी गरीब लड़की ने तकिए में मुंह छुपाकर दो आंसू बहा दिए कि मेरा बाप भी मालदार होता तो मुझे भी कोई ब्याह कर ससुराल ले जाता, उन दो आंसुओं की नहुसत के नतीजे में हो सकता है उसी रात अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो जाए कि इस रिश्ते में नाइत्तिफाकी डाल दी जाएगी, बेबरकती डाल दी जाएगी और ये रिश्ता टूट कर रहेगा। फिर आप हजारों बुजुर्गों से तावीज लाते रहिए, मजलूम की आह के नतीजे में जो मुसीबत आया करती है उस मुसीबत को कोई दुनिया की वली, बड़े से बड़े वली की तावीज दूर नहीं कर सकती। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों से साफ साफ कुछ बात करना चाहता है, वो साफ साफ कहता है, यही खसूसियत है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की। याद रखिए, हुकूमत के खिलाफ बातें करना ज्यादा आसान काम है, नारे लगवाना ज्यादा आसान काम है, तालियां बजवाना ज्यादा आसान काम है, लेकिन बरसरेआम अपने समाज की खराबियों पर टोकना ये ज्यादा मुश्किल काम है। आप सिर्फ मस्जिद में मुसलमान रहो और बाहर मुसलमान न बनो, ये नहीं चलेगा। और मैं साफ कहता हूँ, अक्सर मुसलमान मस्जिद में तो मुसलमान होते हैं लेकिन बाहर मुसलमान नजर नहीं आते। आपने क्यों कभी नहीं सोचा कि मस्जिद के दरवाजे पर जब हम निकलते हैं तो कितनी हमारी भारत के समाज की नॉन मुस्लिम बहनें और बच्चियां अपने जिगर के टुकड़ों को लेकर खड़ी होती हैं और इस इंतजार में कि नमाज पढ़ के नमाजी आएगा, थूक छोड़ देगा, मेरे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। कभी आपने सोचा या पूछा कि ये बहनें और बच्चियां आपके घरों में आकर फूक क्यों नहीं छिड़वाती, आपकी दुकानों पर आकर फूक क्यों नहीं छिड़वाती? मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ, मैंने बहुत सोचा है और बहुत पूछा है। ये इसका जवाब ये है कि वो इतना ये बात जानती हैं कि मुसलमान उतनी ही देर तक मुसलमान रहता है जितनी देर तक वो मस्जिद में रहता है, इसलिए वो मस्जिद से निकलते ही फूक छुड़वा लेना चाहता है। वो जानता है कि ये मुसलमान जिस वक्त दुकान पर बैठेगा ये भी झूठ बोलेगा, ये भी धोखा देगा, ये भी कम नापेगा, ये भी बहुओं बेटियों को देखेगा और उस वक्त इसकी फूक मैली हो जाएगी, उस गंदी फूक से उसके बच्चे का बुखार नहीं उतरेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की पुकार ये है कि तुम अपने पूरे मुसलमान बनो, तुम मुसलमान बनो, तुम मुसलमान बनो। सच कहता हूँ, कसम खा के कहता हूँ, अगर हम मुसलमान होते तो ये हालात आ ही नहीं सकते थे, सवाल ही नहीं पैदा होता।
क्या कुरान की वो आयत जो डॉक्टर कल्ब सादिक साहब ने याद दिलाई काफी नहीं है इस बात की तस्दीक के लिए? कुरान कह रहा है अगर तुम मोमिन होगे तो तुम ही सरबुलंद रहोगे। हम आज सरबुलंद नहीं है, हम अगर जलील व खार हैं तो क्या इसका साफ मतलब नहीं है कि हमारे ईमान में कमजोरी है, हमारी इस्लामियत में बहुत कमी है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बातें भी आपसे साफ साफ कहना चाहता है।